उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड, वैसे माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं आप पहाड़ों की खबर, शुद्ध क्षेत्र की खबर, आपका अपना चैनल वैसे माउंटेन। खबर निर्णला ब्लॉक से। निर्णला में आशा कार्यकर्ता लगातार 2 तारीख से धरने पर बैठे हैं। उनकी 12 सूत्रीय मांगे अभी तक मानी नहीं गई है और वो लगातार धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं इनके जुनून को कि इनकी कितनी लगातार अपनी मांग उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन ने इनकी सुनी नहीं है। और इनके समर्थन में सामाजिक लोग और विपक्ष कांग्रेस के अहम अन्य पार्टी कहें वो भी समर्थन में आने लगे हैं। सरकार यदि इनके कामों में और देर करती है तो इसका खमियाजा उसे 2022 में भुगतना भी पड़ सकता है। चुनाव नज़दीक है, इसलिए सरकार को उनकी मांगों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए हमारे सहयोगी महपाल सिंह रावत की। सभी आशा बहन जी यहाँ पे जो है 12 दिन से लगातार शासन प्रशासन अपने मानदेय और राज्य कर्मचारी घोषित करने के लिए सड़कों पर उतरी है। मैं पृथ्वीपाल पनवाल एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से और आशा कार्यकर्ताओं के इस मांग को जायज ठहराते हुए राज्य सरकार से अविलंब मांग करता हूँ कि उनकी मांग पे तुरंत ध्यान। और यह तो सरकार इन बोल दिया कि तुम सिर्फ नौकरी करो, और यह तो सरकार हूँ तई ऊँख जो मांग थी वे पर ध्यान दियाओ कि हाँ जी आप हमारे राज्य का एक कर्मचारी जो जब ये कोरोना काल में पिछले साल भी और ये साल भी तमाम आशा कार्यकर्ताओं अपुर आप थाने देखी कपूर परिवार थाने देखी पूरे क्षेत्र अपर अपर जगह पर जो हमारा सरकारी कर्मचारी था चाहे वो हॉस्पिटल का हुआ चाहे अन्य विभागों का भी हुआ उसे बढ़िया काम कर। और गांव में जब एक स्थिति ने आ गया चाहिए कि जब लोग अपर परिवार का आदमी था अपर परिवार में घर में नहीं आने दिया कि बोल पहले स्कूल में जाओ पहले पंचायत घर में रहो पहले वक रहो तो वह आशा जो राय वो सबसे पहले आन और जान और तमाम रहे। आज जब यह सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बोले थे कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो ये जो आशा चाहिए बेटी नहीं दिखेना चाहिए तो क्या दिखे? हम आप लोगों को विश्वास दिला दो और हम आशा वर्करों को भी विश्वास दिला दो कि भविष्य में जो भी सरकार आए वही सरकार में जो भी हमारे क्षेत्र जो नुमाइंदा वाल हम अपन पहले हम सरकार में प्रेसर बनूला लेकिन वरना कुर्सी छोड़ दो आगे माउंटेन पहाड़ों की आवाज और पहाड़ों की आवाज आज तहसील धुमाकोट में मौजूद है। यहाँ पे आशा कार्यकर्ताओं की रैली निकली हुई है और निश्चित मानदेय को लेकर इनका 13वें दिन का धरना प्रदर्शन आज तहसील धुमाकोट में है। चलिए इनके अध्यक्ष से बात करते हैं। तीना क्या मांगे हैं?
मांगे हमारी जो 12 सूत्रियां मांगी थी, और एक निश्चित मानदेय जो सर्वप्रथम हमारी मांग है वो है एक निश्चित मानदेय हमें दिया जाए और सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। लेकिन अभी 9-10 तारीख को जो हमारी आशा बहनों ने विधानसभा में जो रैली निकाली थी और उसके माध्यम से हमारे धामी जी से बात हुई थी, तो धामी जी ने हमें किस तरह से गुमराह किया है कि जो जियो निकाला है वो निकाला है 3,000 का, और वहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमने 5,000 जो है आशाओं को मानदेय दे दिया है। तो ऐसी झूठी सरकार से हमें कोई मतलब कि आशाएं नहीं है कि हमारी सरकार हमारे लिए क्या करेगी, और हम अपने ऐसे ही अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं, इसी तरह रैलियां निकालेंगे और इस तरह चुपचाप नहीं बैठेंगे जिस तरह सरकार सोच रही होगी कि मैंने 5,000 झूठ बोलकर, झूठी सरकार है हमारी वो जो झूठ बोलकर हमें इस तरह से गुमराह कर रही है कि 5,000 रुपये मैं आशाओं को दे रहा हूँ, जबकि जियो जो निकला है वो 3,000 का निकला है। फिर क्यों इस झूठे बलबूते पर हमारी ये सरकार खड़ी है? ऐसी सरकार को हम खड़ी नहीं रहने देंगे और तोड़फाड़ के मतलब एक साइड करेंगे और दूसरी अपनी एक सरकार बनाएंगे जो हमारी आशाओं की मजबूरी समस्याएं और हमें मानदेय एक निश्चित मानदेय दे। तो ऐसी सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है जो सरकार झूठ के बलबूते पे चले। तो हमारी अभी अनिश्चितकालीन जो धरना है और रैलियां है वो अभी ख़त्म नहीं हुई, सरकार ऐसा चुप बैठ के ना बैठे जो सरकार अखबारों में दे रही है बड़ी बड़ी हेडलाइंस में कि आशा का मानदेय हमने कर दिया है और आशाएं अपने काम पे चली गई हैं। तो आशाएं अभी अपने काम पे नहीं गई हैं, वो अभी धरने पे बैठी हैं और ऐसे ही अनिश्चितकालीन धरने पे बैठी रहेगी जब तक उनका एक निश्चित मानदेय नहीं होता, एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा उन्हें घोषित नहीं किया जाता, तब तक हम ऐसे ही धरने पे बैठे हैं। ये हम सब आशाओं का एक निर्णय है। तो देख सकते हैं आप 13वां दिन इनका है और अपना बिल्कुल घर छोड़ के, अपना सभी काम काज छोड़ के, और आपने देखा होगा कि पिछले साल से कोरोना काल में लगातार इनकी ऐसी ड्यूटी बन जाती थी कि जो भी प्रवासी लोग गांव में आते थे तो इनकी ड्यूटी पहले बनती थी वहां पे। तो आइए एक सामाजिक कार्यकर्ता हमारे मनीष सुंदियाल जी हमारे साथ हैं। तो सर जैसे ये कह रहे हैं कि समान निश्चित मानदेय चाहिए हमें, और जो धामी साहब ने अभी 3,000 रुपये का एक झुंझुना अभी तो तरातल पे तो नहीं उतारा है, लेकिन जो बात कही है वो कितना सत्य मानते हो? धन्यवाद। मैं वॉइस ऑफ माउंटेन का धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने चैनल के माध्यम से इन बहनों की बातों को यथा संभव पहुँचाएंगे सरकार तक। और मेरा तो ये मानना है कि जो हमारी डबल इंजन की है बहुमत वाली सरकार है वो बिल्कुल पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। जावा।